भगवान को लगाए जाने वाले भोग की बड़ी महिमा है। इनके लिए 56 प्रकार के व्यंजन परोसे जाते हैं, जिसे 56 भोग कहा जाता है। यह भोग रसगुल्ले से शुरू होकर दही, चावल, पूरी, पापड़ आदि से होते हुए इलायची पर जाकर खत्म होता है। अष्ट पहर भोजन करने वाले बाल कृष्ण भगवान को अर्पित किए जाने वाले 56 भोग के पीछे कई रोचक कथाएं हैं। ऐसा कहा जाता है कि यशोदा बाल कृष्ण को एक दिन में अष्ट पहर भोजन कराती थी, अर्थात बाल कृष्ण 8 बार भोजन किया करते थे। जब इंद्र के प्रकोप से सारे ब्रज को बचाने के लिए भगवान श्री कृष्ण ने गोवर्धन पर्वत को उठाया था, तब लगातार 7 दिन तक भगवान ने अन्न जल ग्रहण नहीं किया था। 8वें दिन जब भगवान ने देखा कि अब इंद्र की वर्षा बंद हो गई है, तो उन्होंने सभी ब्रजवासियों को गोवर्धन पर्वत से बाहर निकलने को कहा। तब दिन में 8 पहर भोजन करने वाले ब्रज के नंदलाल कन्हैया का लगातार 7 दिन तक भूखा रहना उनके ब्रजवासियों और मैया यशोदा के लिए बड़ा कष्टप्रद था। भगवान के प्रति अपनी अनन्य श्रद्धा भक्ति दिखाते हुए सभी ब्रजवासियों सहित यशोदा जी ने 7 दिन और अष्ट प्रहर के हिसाब से 56 व्यंजनों का भोग बाल कृष्ण को लगाया। श्रीमद् भागवत के अनुसार गोपिकाओं ने एक माह तक यमुना में भोर में ही न केवल स्नान किया अपितु कात्यायनी माँ की अर्चना भी इसी मनोकामना से की कि उन्हें नंद कुमार ही पति के रूप में प्राप्त हो। श्री कृष्ण ने उनकी मनोकामना पूर्ति की सहमति दे दी। व्रत समाप्ति और मनोकामना पूर्ण होने के उपलक्ष्य में ही उद्यापन स्वरूप गोपिकाओं ने 56 भोग का आयोजन किया। ऐसा भी कहा जाता है कि गोलोक में भगवान श्री कृष्ण राधिका जी के साथ एक दिव्य कमल पर विराजते हैं। उस कमल की 3 परतें होती हैं। प्रथम परत में 8, दूसरी में 16 और तीसरी में 32 पंखुड़ियां होती हैं। प्रत्येक पंखुड़ी पर एक प्रमुखी सखी और मध्य में भगवान विराजते हैं। इस तरह कुल पंखुड़ियों की संख्या 56 होती है। 56 भोग इस प्रकार हैं: भक्त यानी भात, सूप यानी दाल, प्रलेह यानी चटनी, सदिका यानी कढ़ी, दधि शाकजा यानी दही शाख की कढ़ी, सिखरिणी यानी सिखरन, अवलेह यानी शरबत, बालका यानी बाटी, इक्षुखेरणी यानी मुरब्बा, त्रिकोण यानी शर्करा युक्त, बटक यानी बड़ा, मधु शीर्षक मठरी, फेणिका यानी फेनी, परिष्टांश यानी पूरी, शतपत्र यानी खजला, सधिद्रक यानी घेवर, चक्राम यानी मालपुआ, चिल्डिका यानी चोला, सुधा कुंडलिका यानी जलेबी, धृतपुर यानी मेसू, वायुपुर यानी रसगुल्ला, चंद्रकला मतलब पगी हुई, दधी यानी महारायता, स्थूली यानी थूली, कर्पूर नाड़ी यानी लौंगपुरी, खंडमंडल यानी खुरमा, गोधूम यानी दलिया, परिखा, सुफलाढ़िया यानी सौंफयुक्त, दधी रूप यानी बिलसारू, मोदक यानी लड्डू, शाक यानी साग, स्वाधान यानी अधानोचार, मंडका यानी मोठ, पायस यानी खीर, दधी यानी दही, गोघृत, हयंग पीनम यानी मक्खन, मंडूरी यानी मलाई, कूपिका यानी रबड़ी, परपट यानी पापड़, शक्तिका यानी सीरा, लसिका माने लस्सी, संघाय माने मोहन, सुफला मतलब सुपारी, सीता यानी इलायची, फल, तांबूल, मोहन भोग, लवण, कषाय, मधुर, तिक्त और कटु और अमल। तो यह थी हमारी आज की जानकारी। उम्मीद करते हैं आपको बहुत पसंद आई होगी। ऐसी ही और जानकारी प्राप्त करने के लिए प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने सुझाव कमेंट बॉक्स में भेजें। धन्यवाद।